Hello everyone welcome to our YouTube channel Six Alliance today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper PIB and various government sources so let's begin our session our first topic is konat chem tom janing कौन सा सेम के बारे में कि है क्या इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट हारवेज फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन गोवा प्राइमरीली इन अगस्त बोस्ट हिंदू एंड कैथोलिक पार्टिसिपेट इन दियर यूनिक वे द फेस्टिवल इन्वॉल्व ब्लेसिंग द फर्स्ट शिप ऑफ राइट वैन हार्वेस्टेड जो आपका कौन सा सेम है ये एक इंपॉर्टेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल है जिसको कि मनाया जाता है गोवा में मेनली अगस्त के महीने पे दोनों ही हिंदू और कैथोलिक जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं अपने यूनिक यूनिक तरीके से ये जो फेस्टिवल है ये इन्वॉल्व करता है ब्लेसिंग को जो पहला सीब होता है राइस का जिसको कि हार्वेस्ट किया जाता है जो गोवन कैथोलिक है जो कि पिक होता है सेलिब्रेशन का इसका अगस्त ट्वेंटी के समय पर फिश डे सेंट बैल्थोलम जिनका मीनिंग होता है सन ऑफ फॉरस और ये वन ऑफ द ट्वेल्व एपोस्टेल्स ऑफ जैस किस्में थे एक से जिन्होंने विजिट किया था इंडिया को 55 एडी के समय पे इनके पहले सेंट थॉमस पहुंचे थे इंडिया 52 एडी में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉर्थ अफ्रीकन मेटल आर्ट तो नॉर्थ अफ्रीकन मेटल आर्ट के बारे में हम जानेंगे metal engraving a traditional craft practiced across north africa and west asia for centuries has gained international recognition by added to unesco intangible heritage list यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में किसी को भी अगर ऐड किया गया है तो उसका नाम आपको पता होना चाहिए और किस कंट्री का है ये पता होना चाहिए तो जो मेटल इनग्रेविंग है जो कि एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट है जिसको प्रैक्टिस किया जाता है अक्रॉस नॉर्थ अफ्रीका और वेस्ट एशिया में सेंचुरी से इसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला है इसको ऐड किया गया है यूनेस्को के इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में नॉर्थ अफ्रीकन मेटल आर्थ रिफर टू द ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ मैनुअली कटिंग वर्ड्स और सिम्बल इन टू मेटल पर्टिकुलरली ज्वेलरी एंड हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट और जो नॉर्थ अफ्रीकन मेटल आर्थ है ये रिफर करता है जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट है मैनुअल कट करने का वर्क या सिंबल को मेटल के ऊपर पर्टिकुलरली ज्वेलरी या हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर दिस लॉन्ग स्टैंड आर्टिस्टिक ट्रेडिशन हैज बिन प्रैक्टिस अक्रॉस नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया फोर्थ सेंचुरी और ये जो आपका लॉन्ग स्टैंडिंग आर्टिस्टिक ट्रेडिशन है इसको प्रैक्टिस किया जाता है अक्रॉस नॉर्थ अफ्रीका और वेस्ट एशिया में सेंचुरी से ये जो आर्टफॉर्म है यह इन्वॉल्व करता है इन क्रिकेट इन ग्रेविंग टेक्निक को जिसको कि अप्लाई किया जाता है अलग अलग मैटर पर जैसे कि आपका कॉपर हो गया सिल्वर हो गया गोल्ड हो गया उस पर इसको क्राफ्ट किया जाता है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव तो जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है इसके बारे में हम जानेंगे कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव इन्वॉल्विंग डेमोक्रेसी लाइक इंडिया श्रीलंका मॉरिशियस बांग्लादेश सेचल्स एम्स टू एड्रेस इंडियन ओशियन चैलेंजेस जो आपका कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है जो कि इन्वॉल्व कर रहा है डेमोक्रेसी जैसे कि भारत श्रीलंका मॉरिशियस बांग्लादेश सेचल जैसी कंट्रियों को इसका मकसद है एड्रेस करना इंडियन ओशियन चैलेंजेस को तो क्या मकसद है किस किस कंट्री को ये इन्वॉल्व कर रहा है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जानेंगे हम कोलम्बो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के बारे में कोलम्बो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव इज ए ट्राइलेटल मेरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुपिंग फॉर्म इन टू कंसिस्टिंग ऑफ इंडिया श्रीलंका एंड मालदीव्स मॉरिशिस इज द दिफोर्ट मेंबर एंड बांग्लादेश एंड सेशल्स ऑब्जर्वर इन डी ग्रुप जो आपका कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है ये ट्राइलेट्रल मेरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुपिंग था जिसको बनाया गया था 2011 में उस समय इसमें इंडिया श्रीलंका और मालदीव्स थे बाद में मॉरिश जो था वो चौथा मेंबर बना और बांग्लादेश और जो सेशल्स है ये ऑब्जर्वर है इस ग्रुप में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव रिवाइव किया गया 2020 पे और इसको लिंक किया गया जो चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस था इंडियन ओशियन में उसको देखते हुए क्या इसका गोल है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव फोकस ऑन इन्हेंसिंग एंड स्ट्रेंथनिंग रीजनल सिक्योरिटी इन फाइव पिलर जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है ये फोकस कर रहा है कि इन्हेंस किया जाए और मजबूत किया जाए रीजनल सिक्योरिटी को पाँच पिलर के ऊपर तो ये पाँच पिलर कौन कौन सा है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जैसे मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी हो गया काउंटरिंग टेररिज्म और रेडिकलाइजेशन कॉम्बैटिंग ट्रैफिकिंग एंड ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम साइबर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ये इसके पाँच पिलर है जिसके ऊपर फोकस करने की बात कही गई है ताकि इन्हेंस किया जाए और स्ट्रेंथन किया जाए रीजनल सिक्योरिटी को से सिग्निफिकेंस किसकी अगर हम बात करें it serves as india's outreach to the indian ocean in alignment with india's vision of sagar vision emphasizing regional cooperation and shared security objective it also aims to counter china influence in the region and reduce the chinese footprint in member countries. ये सर्व करेगा इंडिया के आउटरीच के रूप में भारत ओशियन में ये अलाइन कर रहा है भारत का जो विजन है सागर का उसी के साथ इसका फोकस है रीजनल कॉपरेशन और सीर सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव के ऊपर इसका मकसद है कि काउंटर किया जाए जो चाइना का प्रभाव पड़ रहा है इस रीजन पर और रिड्यूस किया जाए चाइना के फुटप्रिंट को मेम्बर्स कंट्री में क्या चैलेंजेस है जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है इसको सामना करना पड़ रहा है वनरेबिलिटी का डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के कारण मेंबर स्टेट के बीच में जैसा कि देखा गया मालदीप्स का एबसेंस हुआ था जो अभी हाल ही में मीटिंग हुआ था कोलंबो सिक्योरिटी काउंसिल का उसमें मालदीव जो थे एबसेंस था कंक्लूजन इसमें क्या निकाल सकते हैं कि इंडिया जो है वो देख रहा है इसको एक क्रूसियल के इंपॉर्टेंट रूप में कंसोलिडेट करने के लिए रीजनल लीडरशिप को एमिट इवॉल्विंग योर प्रोग डायनेमिक को ध्यान में रखते हुए सक्सेस है आपका कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का यह हिंग करता है एक यूनिफाइड स्ट्रेटेजिक विजन एंड रेसिलेंस के ऊपर इंक्रीजिंग चाइनीज इन्फ्लुएंस के खिलाफ फॉस्टर करने के लिए कॉलेब्रेशन को और करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट को भारत को एक्नोलेज करना होगा इंडियन ओशियन रीजन के एवोलूशन के ऊपर और एक ग्लोबल कॉमन को तैयार करना होगा ताकि सब मिलकर एक साथ चाइना के खिलाफ आ सके नेक्स्ट टॉपिक हमारा रोड टैप तो हम जानेंगे रोड टैप के बारे में जो रिमिशन ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट स्कीम है इसके बारे में इंडियन गवर्नमेंट इज एक्सप्लोरिंग ऑप्शन टू री टैक्स एमिशन बेनिफिट फॉर सुगर एक्सपोर्ट विच वेर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रिमिशन ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट रोड टैप स्कीम इन जून टू थाउजेंड ट्वेंटी टू जो भारतीय गवर्नमेंट है वो एक्सप्लोर कर रही है ऑप्शन को कि फिर से रीन किया जाए जो टैक्स अमिशन बेनिफिट दिया जाता था पहले सुगर एक्सपोर्ट के लिए जिसको कि एक्सक्लूड कर दिया गया था रिमिशन ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट स्कीम से जून टू पे शुगर वाज मूव टू रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी एज ए प्रिकॉशनरी मेजर टू इनहेंस डोमेस्टिक एवेबिलिटी एंड प्रिवेंट इन प्राइसेज जो शुगर था उसको मूव किया गया था रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी पे एक प्रिकॉशनरी मिजर्स के रूप में ताकि इन्हेंस किया जा सके डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी को और रोका जा सके जो प्राइसेस सर्ज हो रहे है उसको द शुगर इंडस्ट्री एज अपील टू री शुगर इन टू द फ्री कैटेगरी विथ सर्टन कंडीशन सच एज ऑप्टेनिंग परमिशन फ्रॉम द डायरेक्ट्रेट ऑफ शुगर फॉर एक्सपोर्ट शुगर इंडस्ट्री ने अपील किया है कि री किया जाए शुगर को फ्री कैटेगरी पे कुछ कंडीशन के साथ जैसे कि परमिशन लेना डायरेक्ट्रेट ऑफ शुगर से एक्सपोर्ट के लिए रोड टैप के बारे में हम जान लें रिमिशन ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट स्कीम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड विद द एम ऑफ न्यूट्रलाइजिंग द टैक्सेस एंड ड्यूटी इनकर्ड ऑन एक्सपोर्टेड गुड दैट आर नॉट क्रेडिटेड रेमिटेड रिफंडेड इन एनी मैनर एंड डज रिमेन इंबेडेड इन द एक्सपोर्ट गुड जो रिमिशन ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट रोड स्कीम है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इसका एम था कि न्यूट्रलाइज किया जाए जो टैक्स और ड्यूटी इनकर होता है एक्सपोर्टेड गुड्स के ऊपर जो कि क्रेडिटेड रेमिटेड या रिफंड नहीं होता है किसी भी मैनर पर और वो एम्बेडेड होता है एक्सपोर्टेड गुड के रूप में दिस स्कीम प्रोवाइड आ रिबेट फॉर ऑल हिडन सेंट्रल स्टेट एंड लोकल ड्यूटीज टैक्सेस एंड लिवाइज ऑन एक्सपोर्टेड गुड दैट हैिफंडर एनी अदर एग्जिस्टिंग स्कीम और ये जो स्कीम है ये प्रोवाइड करता है रिबेट को सारे हिड सेंट्रल स्टेट और लोकल ड्यूटीज टैक्से लिवाइज से एक्सपोर्टेड गुड्स के लिए जो कि नहीं रिफंड होगा किसी भी दूसरे एग्जिस्टिंग स्कीम के साथ द स्कीम इथ डिजाइन टू बी कंपाइलेंट विथ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल और ये जो स्कीम है इसको डिजाइन किया गया है कंपाइलेंट के साथ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रियर अर्थ प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी तो हम जानेंगे रियर अर्थ प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के बारे में चाइना द लीडिंग ग्लोबल प्रोसेसर ऑफ रियर अर्थ हेज इम्पोज ए बैन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इसेंशियल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एंड सेपरेटिंग दिस स्ट्रेटेजिक मेटल चाइना जो कि लीडिंग ग्लोबल प्रोसेसर है रेयर अर्थ का उसने बैन लगा दिया है एक्सपोर्ट के ऊपर टेक्नोलॉजी के ऊपर जो कि जरूरी है एक्सट्रैक्ट करने के लिए या सेपरेट करने के लिए इन स्ट्रेटेजिक मेटल को ये जो एक्शन है ये एक पाथ है रिविजन को लेकर जो लिस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी है जिसको कि माना जाता है इंपॉर्टेंट है नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये जो बैन है ये कवर नहीं कर रहा है वैसे टेक्नोलॉजी को जो कि रिलेटेड है एक्सट्रैक्शन और सेपरेशन से बल्कि एक्सटेंड किया गया है जो एक्सपोर्ट और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है रियल अर्थ मेटल एलॉय मेटल और स्पेसिफिक रियल अर्थ मैग्नेट के लिए ये जो मूव है चाइना का ये कॉन्साइड कर रहा है एफर्ट के साथ यूरोप और यूनाइटेड स्टेट का कि रिड्यूस किया जाए जो डिपेंडेंस है चाइनीज रियल अर्थ के ऊपर जो कि करेंटली नाइन्टी परसेंट है वर्ल्ड के रिफाइन आउटपुट का रेयर अर्थ अ ग्रुप ऑफ सेवनटीन मेटल क्रूसियल फॉर मैनुफैक्चरिंग मैग्नेट यूज इन इलेक्ट्रिक व्हीकल विंड टर्बाइन एंड वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैज बिकम अ फोकल पॉइंट फॉर जियो पॉलिटिकल कंसिडरेशन और जो रेयर अल्थ है ये ग्रुप है सेवेंटीन मेटल का जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैनुफैक्चर करने के लिए मैगनेट को जिसका उपयोग होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल पर विंड टर्बाइन या वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज पे और ये एक फोकल पॉइंट बन गया है जियो पॉलिटिकल कंसिडरेशन के लिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेल्फ पॉलिनेशन तो हम जानेंगे सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी जो था जिसमें साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया है रैपिड इवोल्यूशन को फ्लावरिंग प्लांट का जो कि आपका वायला अरवेंसिथ था फील्ड पेंसि पेरिस फ्रांस पे ये जो प्लांट है ये प्रोड्यूस हुआ है लेस नेक्टर और स्मॉलर फ्लावर से जो कि अट्रैक्ट करता है कम पॉलीनेटर को ये डिस्प्ले कर रहा है एक साइन को सेल्फ पॉलिनेशन का वॉट आर द रीजन फॉर इवोल्यूशन क्या रीज़न है इस इवोल्यूशन के पीछे का तो जो बदलाव आ रहा है इन्वायरमेंट में स्पेशली एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी पे इसने लिमिट कर दिया है पॉपुलेशन को पॉलीनेटर का जैसे कि बीज हो गया वैसे सिचुएशन में प्लांट इवॉल्व करते हैं सेल्फ पॉलीनेट करके खुद से ये सेल्फ पॉलीनेशन होता है क्या है तो ये एक रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है प्लांट का जहाँ पे पॉलिन जो होते हैं फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथर से फर्टिलाइज़ करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टिग्मा पे सेम फ्लावर के या दूसरे फ्लावर के सेम प्लांट के ये जो मैकेनिज्म है ये इंश्योर करता है प्लांट के एबिलिटी को रिप्रोड्यूस करने का बिना डिपेंड हुए किसी एक्सटर्नल पोलीटर फैक्टर के ऊपर जैसे कि इंसेक्ट या विंड के ऊपर क्या मैकेनिज्म है सेल्फ पॉलीनेशन का तो एंथर एंड स्टिग्मा का जो प्रॉक्सिमिटी है सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट में जो एंथर प्रोड्यूसिंग पोलन है वो क्लोज होता है स्टिग्मा के जो कि रिसीविंग पोलन होता है सेम फ्लावर का पोलन ट्रांसफर की अगर हम बात करें तो पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा में आइडर फिजिकल कॉन्टैक्ट के द्वारा या प्लांट के इंटरनल मैकेनिज्म के माध्यम से फर्टिलाइजन के अगर हम बात करें तो जो पोलन ट्यूब होता है वो ग्रो करता है डाउन डी स्टाइल ओवेरी के जहाँ पे फर्टिलाइजन होता है जिसके कारण फॉर्मेशन होता है एसिड का जेनेटिक सिमिलैरिटी की अगर हम बात करें तो दोनों ही पोलन और जो ऑव्यूल है वो आते हैं सेम प्लांट से इस कारण जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट्स से है, जिसके कारण बहुत कम जेनेटिक डाइवर्सिटी देखा जा सकता है सेल्फ पॉलिनेशन इंश्योर रिप्रोडक्टिव सक्सेस स्पेशली इन इन्वायरमेंट विथ लिमिटेड पॉलीनेटर बट इट कैन ऑल्सो रिड्यूस जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन प्लांट पॉपुलेशन एंड रिस्क टू प्लांट पॉलीनेटर इंट्रेक्शन सिस्टम जो सेल्फ पॉलीनेशन है यह इंश्योर करता है रिपोडक्टिव सक्सेस को स्पेशली वैसे इन्वायरमेंट में जहाँ पर लिमिटेड पॉलीनेटर है लेकिन यह रिड्यूस कर देता है जेनेटिक वेरिएबिलिटी को भी प्लांट के पॉपुलेशन पर जिसके कारण रिस्क है प्लांट पॉलीनेशन इंट्रेक्शन सिस्टम का यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पोलिन स्टिगमा इंटर की भी बात कही गई थी सेल्फ पॉलिनेशन के लिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आई एन एस इम्फाल तो जानेंगे हम आई एन एस इम्फाल के बारे में पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसिडर कर रखा है दूसरे आई एन एस के बारे में आई एन एस इम्फाल दर्ड वारशिप ऑफ प्रोजेक्ट फिफ्टीन वी फॉर्मिंग दी विशाखापट्टनम क्लास स्टील गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इट सेट टू बीशन इन टू द इंडियन नेवी जो आपका आई एन एस इम्फाल है जो कि तीसरा वार्सिप था प्रोजेक्ट फिफ्टीन बी के अंतर्गत जिसको कि बनाया गया था विशाखापट्टनम क्लास स्टील गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर के रूप में ये कमीशन किया गया है इंडियन नेवी पर जो कमीशनिंग है आई एन एस इम्फाल का ये होल्ड करता है एक स्पेशल सिग्निफिकेंस को ये लार्जेस्ट और मोस्ट एडवांस डिस्ट्रॉयर में से एक है जिसका नाम जो है एक सिटी के नाम पर रखा गया है नॉर्थ ईस्ट के क्या फीचर है इसका विशाखापट्टनम क्लास इज रिकॉगनाइज एज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस शिव क्लासेस द इंडियन नेवी कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफेंसिव ऑपरेशन जो विशाखापट्टनम क्लास है इसको रिकॉग्नाइज किया गया, गया है एक वन ऑफ द मोस्ट एडवांस शिप क्लासेस में से एक है यह इंडियन नेवी का जो कि कैपेबल है इंडिपेंडेंट ऑफेंसिव ऑपरेशन के लिए जो आर्सिनाल है विशाखापटनम क्लास में वो इंक्लूड करता है ब्रह्मोस सरफेस क्रूज मिसाइल को वर्टिकली लॉन्च बैराक एच सरफेस टू तो एयर मिसाइल 127 मिलीमीटर मेन गन ए के सिक्स थर्टी मिलीमीटर गन क्लोज पॉइंट इंगेजमेंट के लिए और इंडाजेजेंसली डेवलप फाइव थ्री mm मिलीमीटर टॉर्पीडो लॉन्चर और साथ साथ आरबीयू सिक्स थाउजेंड एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर भी है इसमें स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रॉयर प्ले करते हैं एक इंपॉर्टेंट रोल को नेवल ऑपरेशन के लिए ये प्रोटेक्ट करता है फ्लिट को और कैरियर बैटल ग्रुप को शॉर्ट रेंज अटैकर से ये ऑपरेट करते हैं इंडिपेंडेंटली और ये वेल well इक्विप्ड होते हैं नेटवर्क सेंट्रिक वेलफे वारफेयर के साथ यूटिलाइज करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटिंग नेटवर्क टूल का ये जो है पेक कर रहा है ट्रिब्यूट को मणिपुर का हिस्टोरिक जो कंट्रीब्यूशन था इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल पे और इसका फोकस है जो रीजन का इंपॉर्टेंस है नेशनल सिक्योरिटी सॉवरिंटी और प्रॉस्पेरिटी के ऊपर इसके ऊपर इसका फोकस है अब जो टाइप है वॉरशिप का इंडियन नेवी का तो इसमें से कुछ को यहाँ दिखाया गया उसके बारे में डिस्कस किया गया इसके अलावा भी है जैसे कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर हो गया तो ये लार्ज शिप होते हैं जो कि कैपेबल होते हैं कैरी करने के लिए लॉन्चिंग एयरक्राफ्ट को जैसे कि आपका आई एन एस विक्रमादित्य हो गया आई एन एस विक्रांत हो गया जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है डिस्ट्रॉयर की अगर हम बात करें तो आपका वर्सेटाइल वारशिप होता है जिसमें एंटी एयर एंटी एंटीशिप और एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी होता है आई एन एस कोलकाता आई एन एस विशाखापटनम आई एन एस इंपाल हो गया फ्राइगेट की अगर हम बात करें तो ये स्मॉलर होता है डिस्ट्रॉयर से कंपेयर करें अगर हम तो लेकिन इसका मल्टी रोल कैपेबिलिटी होता है आई एन एस शिवालिक आई एन एस नीलगरीज का एग्जाम्पल हो गया कॉर्बेट की अगर हम बात करें तो ये कंपैक्ट वारशिप होता है जिसको डिजाइन किया गया है कोस्टल डिफेंस और पेस्ट्रोल ज्यूटिस के लिए जैसे कि आपका आई एन एस कामोर्ता आई एन एस कीर्तन हो गया और सबमरीन जो कि सबमर्सिबल वेस्कल होता है जिसको उपयोग किया जाता है स्टिल करने के लिए अंडर वाटर ऑपरेशन में जैसे आई एन एस कलवारी हो गया आई एन एस आरियंत हो गया इसके अलावा भी आपका बहुत सारा है दस ऑल फॉर डेली करंट अफेयर एस एन अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो को लाइक करे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक फॉर्म यर ऑल्स यू कैन स्टेट कनेक्टेड विथ हज एंड गविव एच योर वेलवेबल फीडबैक थैंक यू एंड अव नाइस डे